स्टूडेंट्स यू नो दैट वेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इट्स वेलास्टी डज नॉट चेंज इट मीन्स दैट वेलास्टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट फिक्स डिस्टेंस कवर करता है और इसी की वजह से उसका स्पीड या वालासिटी चेंज नहीं होता है तो अगर हम चेंज इन वालासिटी फाइंड करना चाहें यूनिफॉर्म मोशन में तो उसकी वैल्यू क्या आएगी तो उसकी वैल्यू हरदम ज़ीरो आएगी क्यों क्योंकि सपोज एक ऑब्जेक्ट चलता है दस मीटर फाइव सेकेंड में और हर फाइव सेकेंड में वो दस मीटर ही चले तो क्या उसकी वालासिटी कुछ चेंज इन वेलासिटी की वैल्यू क्या आएगी तो निश्चित ही आंसर ज़ीरो आएगा आइए अब बात करते हैं नॉन यूनिफार्म मोशन में वालासिटी के बारे में तो नॉन यूनिफार्म मोशन में एक फ़िक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है इस वजह से अगर ऑब्जेक्ट फाइव सेकेंड में एक बार दस मीटर चल रहा है तो उसकी वालासिटी आएगी टू मीटर पर सेकेंड और अगर वही ऑब्जेक्ट अगले फाइव सेकंड में फिफ्टीन मीटर चल रहा है तो उसकी वालासिटी क्या आएगी थ्री मीटर पर सेकंड। इस केस में हम देखेंगे कि उसकी वालासिटी में चेंज आ रहा है अलग अलग टाइम इंटरवल में जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है वो आ रहा है वन मीटर पर सेकंड तो इस तरीके से आप देखते हैं कि नॉन यूनिफार्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है और उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है तो इस चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम मीजर करना चाहें एक टाइम इंटरवल के पैरामीटर में जा करके तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन तो जब भी चेंज इन वेलासिटी की जब भी हम बात करेंगे इन टाइम इन अ टाइम इंटरवल तो वी विल टॉक अबाउट वी विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अंडर एक्सीलरेशन अगर हम एक कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी इनिशियल वेलासिटी यू है और फाइनल वलासिटी वी है और वो टाइम टी में यू से वी तक पहुँच जाता है यानी कि उसकी वलासिटी यू से वी हो जाती है तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन आएगा वो इस फार्मूले से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं ए और अगर ये इट इट इज इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी द वैल्यू विल बी पॉजिटिव एंड इफ इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी देन इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव अब आइए बात करते हैं व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन देन द एस आई यूनिट ऑफ एक्सीन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर मीटर सेकेंड टू दी पावर माइनस टू तो ये बात हो गई एक्सेलेशन की तो ये एक्सेलरेशन इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं और इन क्वेश्चंस दिए गए हैं तो वेन विल यू से अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि जब एक diff, एक निश्चित टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो चेंज फिक्स हो रहा है यानी कि वो चेंज बदल नहीं रहा है यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू हरदम वहाँ पे फिक्स आ रही है या चेंज इन एक्सेलरेशन हरदम जीरो आ रहा है तो वो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि वो एक्सीन बदल रहा है अभी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ गया वो थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया जस्ट प्रीवियस केस की तरह जो कि हम लोग चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे थे ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन में चेंज इन एक्सेलरेशन की हम लोग बात कर सकते हैं तो मेरे मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्राम यहाँ पर थोड़ा सा ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्राम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन फाइव सेकेंड यानी कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दी बस तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पे स्पीड डिक्रीज़ हो रही है यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है इस बात पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी स्पीड में डिक्रीज़ होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी निगेटिव होगी जब भी स्पीड बढ़ेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी तो इस चीज़ का फर्द ध्यान रख कर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ इस केस में एक्सिल्रेशन क्या हो जाएगा विद डिक्रीज इन एक्सिल्रेशन यानी कि पहले हम लोग लिखेंगे सिक्सटी वी माइनस यू फार्मूला लगाते हैं जो बाद वाली फाइनल वेलोसिटी है उसको पहले लिखते हैं अपॉन 80 और टाइम हो गया यहाँ पे फाइव सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ट्वेंटी फाइव इसको और अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो वी विल गेट दैट द वैल्यू इज माइनस फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये निगेटिव वैल्यू बता रहा है एक्सीलरेशन इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऐसे ही अगला क्वेश्चन है उसको आप लोग ट्राई करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएँगे